उधम सिंह नगर जिले से एक शर्मनाक मामला सामने आ रहा है। यहां एक किशोरी के साथ 5 किशोरों ने गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया है। पूरा मामला जिले के खटीमा का है। पीड़िता के पिता के मुताबिक 13 अक्टूबर को किशोरी एक धार्मिक कार्यक्रम में जा रही थी। इसी दौरान उसे उसकी पहचान का एक किशोर मिल गया और उसे बाइक से ले गया। किशोर बाइक से किशोरी को जबरन आम के बाग में ले गया, जहाँ 4 अन्य किशोर पहले से ही मौजूद थे। फिर 5ों ने मिलकर किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। आरोपियों ने किसी को कुछ बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी, तो वहीं आरोपियों की डर की वजह से किशोरी ने कुछ दिन किसी को कुछ नहीं बताया। लेकिन जब आरोपी किशोरी को बार बार धमकाने लगे तो उसने आपत्ति अपने परिजनों को दी। अब पुलिस ने तहरीर के मुताबिक पोक्सो सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर पर नजर डालने के लिए फेसबुक पेज पर द पब्लिक मैटर को फॉलो करें और यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। इसी तरह देखते रहिए द पब्लिक मैटर। नमस्कार।